वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर्स में। तो दोस्तों आज का वीडियो रहने वाला है हमारा, हमारे गांव में हो रहा है सीपीएल मैच। तो हम आपको दिखाएंगे कि वहां का ग्राउंड और वहां की पिच कैसी है दोस्तों। तो आप वीडियो पे बने रहना दोस्तों, वीडियो को देखना लास्ट तक। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा मिलते हैं आपको ग्राउंड में। दोस्तों हम आ पहुँचे हैं ग्राउंड में। तो ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड आप देख सकते हो, और खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी मैच स्टार्ट होना बाकी है। तो हम आपको दिखाएंगे पिच। तो ये आपकी यहाँ की पिच देख सकते हो, काफ़ी सपाट पिच है दोस्तों। यहाँ टप्पा खाने के बॉल काफ़ी तेज़ी से घुसती है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी पिच देख सकते हो, काफ़ी अच्छी मेहनत कर रखी है चिन्याली गाँव वालों ने। अब हम मिलाएंगे अपने कमेंट्री अपने समिति मेंबर से, जो चौहान कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। और हमारे जो तो ये हमारे समिति मेंबर हैं, आप देख सकते हो वो आदित्य चौहान ही हैं। तो पूरा सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को, और आदित्य चौहान का धन्यवाद कि वो ये होने जा रहा है, ये हो रहा है शुक्रिया। ये फुटबॉल रुद्र क्लब में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, तो हम इस मैच के आपको हाईलाइट बताते रहेंगे, जो कि अच्छा अच्छा मोमेंट मिलेगा। और हम आपको अभी जो हमारी दूसरी टीम थी उसने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने ले लिया, तो काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं हमारे टीम के, जो कि पहले ओवर की दूसरी गेंद में विकेट ले चुके हैं अपने। और आप देख सकते हो खिलाड़ियों का काफी अच्छा खुशी, काफी मनाते हुए, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं गोकुल और निराश खिलाड़ी भाई मनोज भंडारी। ओवर का ओवर लेके चले अभिषेक चौहान, देखना चाहेंगे कि क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। भाई अभिषेक चौहान ये चले राइट द मोड़ विकेट सामना करेंगे, पता नहीं कौन है। ये जाती बॉल, पहली बॉल पर सिक्स, और काफी अच्छी गेंद और काफी अच्छा शॉट और काफ़ी अच्छा शॉट विजय द्वारा। काफ़ी होनहार खिलाड़ी रुद्र क्लब के खेमे से। और दूसरी गेंद के लिए एक बार फिर चले राइट मोड़ से लगता हुआ, यही गलती और जाता हुआ। काफ़ी अच्छी फील्डिंग भाई अभिषेक केशव द्वारा। और दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े शॉट देखने को मिल रहे हैं रुद्र क्लब की टीम से, काफ़ी अच्छे होनहार बल्लेबाज रुद्र क्लब की टीम से, और काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट अभी तक लगातार तीन छक्के मार चुके हैं रुद्र क्लब के खिलाड़ी। काफ़ी अच्छा शॉट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे वीडियो की हेडलाइंस मैच की। गाइस देख सकते हो हमारे गाँव के सपोर्टर, इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है। जो काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं हमारे चिन्याली सोड क्षेत्र के, और कुछ टिप्स देते हुए अपने गांव के मेंबरों को, और काफी अच्छा नाम, बहुत ही बड़ा नाम भाई रेंचो क्लब के खिलाड़ी से, जो कि काफी अच्छी बैटिंग के लिए इन्होंने भाई विजय से। तो आपको कैसा लग रहा है बैटिंग के लिए? अच्छा लग रहा है, अच्छी पिच है, काफी मेहनत की इस बनाने में, और काफी अच्छा योगदान दिया अपनी टीम के लिए। बहुत बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक अगर आप मैच जीतते हो। और हमारी टीम को टारगेट मिला है 111 रन का, और हमारी टीम अभी सेटअप लेती हुई, आप देख सकते हैं हमारी टीम का खेमा काफी खुश है। अब इनकी बैटिंग देखने को मिलेगी। अब हम अपने हमारी टीम के ओपनर तैयार भाई राजेश भाई और मोहित मल्टी, काफी बड़ा नाम। दोनों टीम पहली बॉल पे 4 रन मार चुके हैं राजेश, काफी अच्छे अनुभवी खिलाड़ी हैं। दूसरी गेंद कराते हुए विरोधी टीम, और ये बढ़िया शॉट खेलते हुए राजेश, और फिर
मैदान में कैचअप करते हुए और दो रन भागते हुए काफी फिर नाकुश होंगे मोहित सिमल्टी जो कि एक रन बना के आए हैं अपनी टीम को। कोई बात नहीं है, कभी चलते हैं खिलाड़ी को भी नहीं चलते। तो काफी अच्छा लगातार दो बॉलों पे दो सिक्स देखने को मिले और काफी उत्साह टीम का खेमा आप देख सकते हो और दर्शक भी काफी गचा गच छुपा हुआ पीछे करेंगे एक बार फिर इस मैच का और एक बार टॉप बॉल का सामना करके राजेश बहुत अच्छी बॉल वाइड के सारा और अंपायर ऑब्लेस काफी अच्छा मैच देखने मिल रहा है। दूसरी चला बॉल चुपले के बीच में और काफी टीम से अभी आने बाकी है और एक बार फिर सामने करके राजेश काफी अच्छी फील्डिंग को रुद्र के खिलाड़ी से नाखुश रहेंगे चुपले का खेमा और बहुत ही अच्छी बैटिंग देखने को मिली है राजेश द्वारा और आप देख सकते हो समर्थन करते हुए हम राजेश जी का जिन्होंने अपनी टीम को बहुत ही अच्छा बैटिंग दिया और काफी अच्छी कैच देखने को मिली भैरव क्लब की टीम से। और तीसरे बैटिंग ऑर्डर में चले अभिषेक चौहान काफी बड़ा नाम हमारी चिपले की टीम का और बहुत ही बढ़िया बैटिंग खेल के आए हो और बाकी बड़े बड़े नाम चिपले की टीम से आने बाकी हैं और तीसरे बल्लेबाज चले हमारे अभिषेक चौहान और सामने करेंगे काफी अच्छा शॉट फ्लिप कलर में और बॉल टपकाने के बाद घूमती हुई और काफी अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही है चिपले क्लब की। चौथा ओवर पड़ता हुआ 28 रन टीम का स्कोर काफी अच्छी बैटिंग मिली है। अब मुकेश चल बड़ा नाम अभिषेक चौहान चुपले टीम के अब देख पाते हैं क्या करेंगे अपनी टीम के लिए पहली बॉल का सामना करेंगे। ओ काफी अच्छा कट और लेग में और दूसरे रन के लिए भागते हुए पर मना किया मुकेश ने काफी अनुभवी खिलाड़ी चुपले की टीम से और काफी बॉलिंग भी अच्छी कराते हुए रुद्र क्लब के खिलाड़ी और काफी अच्छी बैटिंग चुपले एक बार फिर मुकेश चले काफी बड़ा शॉट मिस जाता हुआ चार रन के लिए और चार रन का इशारा अंपायर द्वारा काफी अच्छी बैटिंग मिल रही है मुकेश के द्वारा जो कि काफी बड़ा नाम चुपले की टीम से और बड़े बड़े हिटिंग के लिए जाने जाते हैं मुकेश एक बार फिर चले बॉलर मुकेश सामना करेंगे फ्लिप क्या कट बाई का रन लेते हुए और बैटिंग ऑर्डर पे अभी बता दूं चार ओवर की समाप्ति पर रन 37 रन काफी अच्छा करेंगे मुकेश बीटवे खिलाड़ी नाखुश होंगे चुपले का खेमा अभिषेक चौहान सिर्फ 3-4 रन बना के बवेलिंग की ओर आतले की टीम से काफी बड़ा नाम गणेश और काफी उम्मीद है चुपले की टीम से इनसे और सामना करेंगे गणेश काफी बड़ा नाम पहली बॉल को प्ले ने बहुत ही अच्छा शॉट जाते हुआ मिस फील्डिंग होती और पहली बॉल को काफी सिंगल में टीन किया गणेश भी काफी बड़ा नाम चुपले टीम से बहुत ही अच्छा शॉट और एक रन से खुश रहेंगे जेपी काफी बड़ा नाम काफी उम्मीद रहेगी चुपले टीम के खेमे से इनसे क्या कर पाएंगे जेपी काफी उत्साह भी इनकी बैटिंग देखने में काफी लंबे लंबे हिटर के लिए जाने जाते हैं जेपी और एक बार फिर सामने करेंगे गणेश बॉलर सुबिंदर काफी बड़ा नाम और गणेश सामने करेंगे बहुत ही अच्छा शॉट एक रन मिलता हुआ गणेश को और अपनी टीम को का स्कोर 44 रन 6 ओवर में। अगर
टीम को जीतना होगा तो बड़े बड़े हिट लगाने पड़ेंगे गणेश को, काफी दामोदार गणेश के ऊपर, कंधों के ऊपर। और वाइट के सारा अंपायर काफी निराश, चुपले टीम का खेमा 14/50 रन, काफी मुश्किल लग रहा है, पर क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है। बट ये आउट होते हुए जेपी और निराश होगा चुपले का खेमा, और 24/14 बॉल पे 50 रन, काफी बड़ा काउंटडाउन, मुश्किल लग रहा है मुझे कि जीत पाएंगे इस मैच को। और काफी अच्छी बैटिंग भी देखने को मिली रुद्र क्लब के खेमे से, और बॉलिंग भी काफी तारीफ के करना चाहेंगे हम रुद्र क्लब के खेमे को। आजाद भी देखने को मिल रहा है जेटलिन, और ये स्लिप पे शॉट करते हुए 6 रन के लिए जाती हुआ, काफी अच्छे शॉट गणेश द्वारा। तो आप देख सकते हो काफी नाखुश होगा चुपले का खेमा, जो अभी थोड़ी देर पहले काफी उत्साह कर रहा था, और आप देख सकते हो, और काफी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग देखने को मिली रुद्र क्लब के खेमे से। रुद्र क्लब की टीम काफी बड़े बड़े नाम, काफी अच्छा, बहुत बहुत बधाई रुद्र क्लब को। रुद्र क्लब के कैप्टन चंद्र विकास जी, काफी बड़ा नाम, और ये काफी खुश नसीब होंगे और निराश चुपले का खेमा। तो अब हम आपको मिलाने जाएंगे जो कि जिनाली सीपीएल के समिति मेंबर है भाई सचिन रमोला जी से। तो सबसे पहले तो मैं आदित्य का थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा। तो जैसे कि आप ये ग्राउंड देख सकते हैं, तो 2-3 हफ्ते पहले इस ग्राउंड पर बहुत सी घास उगी हुई थी, तो मैंने तो कुछ काम किया नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पर मेरे जितने भी दोस्त थे, छोटे भाई बड़े भाई, तो चिन्याली गांव के जितने भी नौजवान हैं, बच्चे से लेकर और हर एक बड़े नौजवान तक, हर किसी की कंट्रीब्यूशन की वजह से आज ये चिन्याली प्रीमियर लीग एक सक्सेस की तरह बन रहा है। और आपको पता ही चल जाएगा कि आने वाले कुछ टाइम में जो सीपीएल है ये एक ऐतिहासिक गेम बनने वाला है, और चिन्याली प्रीमियर लीग जो है ये बहुत ही प्यार मिल रहा है जनता को, और बहुत ज्यादा टीम यहाँ पर आ रही है परफॉर्मेंस करने के लिए। पर आज चाहेंगे हम अपना सचिन भाई का, जिन्होंने थोड़ी समय निकाला हमारी वीडियो के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो रुद्र क्लब का खेमा काफी खुश, काफी खुशी रुद्र क्लब के खेमे में इस मैच को जीत के, और काफी अच्छी बैटिंग देखने को मिली रुद्र क्लब के खेमे से, बहुत बधाई के पात्र हैं रुद्र क्लब के खिलाड़ी। वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलो दोस्तों। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर दो प्लीज सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।